अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टोपोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे है व्हाट इज़ टी नॉट स्पेस। टी नॉट स्पेस किसे कहते हैं? ठीक है, तो चैलेंज हम स्टार्ट करते हैं कि टी नॉट स्पेस किसे कहते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा इज सेट टू बी टी नॉट स्पेस। यहीं पे रुक जाए बच्चों। कहता है टी नॉट स्पेस किसे कहते हैं? एक टोपोलॉजिकल स्पेस को मैं टी नॉट स्पेस कहूँगा। इसका मतलब क्या है कि टी नॉट स्पेस होने के लिए पहले वो टोपोलॉजिकल स्पेस हो, फिर मैं उसको कहूँगा ये टी नॉट स्पेस है। ठीक है, अगर कोई जो है ना टोपोलॉजिकल स्पेस है ही नहीं तो वो टी नॉट स्पेस बन ही नहीं सकती। ठीक हो गया। चलें जी, तो अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार इज सेट टू बी टी नॉट स्पेस इफ फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग टू एक्स विद एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि हर दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए एक्स में हर दो डिफरेंट पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट कर जाए एट लीस्ट कम अज कम वन ओपन सेट। ठीक है, जो टा में पड़ा होगा, ओपन सेट टा में होंगे ना, विच कंटेन्स वन ऑफ द पॉइंट बट नॉट द अदर। क्या कहते हैं कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस को मैं कहूँगा टी नॉट स्पेस अगर हर दो डिफरेंट पॉइंट के लिए टोपोलॉजी में एक ओपन सेट ज़रूर हो, कम अज कम एक, जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। ठीक है, और ये कंडीशन आपने हर दो डिफरेंट पॉइंट के लिए चेक करनी है। ये नहीं है कि कोई से दो डिफरेंट पॉइंट ले लिया, अगर उसमें ये कंडीशन सॉल्व हो करती है, एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे हाँ जी ये टी नॉट स्पेस है। नहीं, एक्स में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट पड़े हैं, हर दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए मुझे कम से कम टोपोलॉजी में एक ओपन सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स विद एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू जो बिलोंग करेगा टा में सच दैट कि एक्स belong to you but y does not belong to you। ठीक है, कि x u में है लेकिन y u में नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x u में ना हो लेकिन y u में हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ a ही belong करे, जो पहला एलिमेंट है वही belong करे और दूसरा ना करे। नहीं, b भी belong कर सकता है और a belong नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या कहते हैं? टी नॉट स्पेस। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी टा, इसके ऊपर टोपोलॉजी है, एम्प्टी सेट है, ए है, बी है, ए बी और एक्स है। ठीक है, अब क्या करूँगा, क्या मैं चेक करता हूँ क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है क्या ये टी नॉट स्पेस है? तो ये कब होगी? अगर x के हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए टोपोलॉजी में मुझे कम से कम एक सेट ऐसा मिल जाए, ओपन सेट, जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। चलें जी, फॉर ए बी बिलोंग टू x, अब हम पहले ए बी के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो ए बी के लिए मेरे पास देयर एग्जिस्ट करता है एन ओपन सेट a सच डैट कि a बिलोंग टू a बट b does not belong to this open set। ठीक है, तो देख लें ए बी के लिए मेरे पास एक ऐसा ओपन सेट निकल आया जिसमें ए तो है लेकिन बी नहीं है। ठीक हो गया। चलें जी, अब फॉर ए सी के लिए, ए और सी के लिए मेरे पास एक ओपन सेट ए पड़ा है। ठीक है, तो फॉर ए सी के लिए एक्स में देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ए सच डैट जिसमें ए तो है लेकिन सी नहीं है। ठीक हो गया बच्चों,
आप ए बी के लिए भी चेक कर लिया, ए सी के लिए भी चेक कर लिया, आप बी और सी के लिए चेक करेंगे। तो फॉर बी सी के लिए मेरे पास देर एग्जिस्ट करता है एन ओपन सेट बी। बी सी के लिए मेरे पास एक ओपन सेट बी है सच डैट, जिसमें बी तो है लेकिन सी नहीं है, यानी कि बी बिलोंग टू बी बट सी डज नॉट बिलोंग टू बी। तो देखने एक्स के हर दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मुझे टोपोलॉजी में एक ओपन सेट ऐसा मिल रहा है जिसमें एक पॉइंट तो है लेकिन दूसरा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है हेंस एक्स स्टार इज अ टोपोलॉजी टी नॉट स्पेस। एक्स स्टार जो है ना, जो टोपोलॉजिकल स्पेस थी, अब वो ये स्पेस क्या है, टी नॉट स्पेस है। ठीक हो गया बच्चों? जी, आगे है कुछ चीज़ें नोट करने की। एग्जांपल हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज टी नॉट स्पेस होती है। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल के लिए ये जो है ना स्पेस, ये भी टी नॉट स्पेस है। कैसे? मैं कहता हूँ एक्स है आपका 1 2, तो जो टोपोलॉजी होगी इसके पूरे पावर सेट पर होगी, तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट है 1 है 2 है 1 2, यानी कि वही एक्स आ गया। ठीक है, आप देखें ए बी के लिए 1 2 बिलोंग टू एक्स, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट 1 सच दैट के 1 बिलोंग कर रहा है इसमें बट 2 बिलोंग नहीं करता 1 में। आप 2 पे से भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से पता चला कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होती है वो क्या होती है, टी नॉट स्पेस। आगे एक मुश्किल सा नाम है, नाम मुझे सही इसका लेना नहीं आता, सर प्रिंसकी टोपोलॉजिकल स्पेस इज टी नॉट स्पेस। ठीक हो गया, तो ये होती कौन सी स्पेस है? ठीक है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो क्या है, मतलब एक्स ए बी है, टोपोलॉजी में क्या लें, एम्प्टी सेट लें ए और एक्स लें, या फिर आप इनमें से यानी कि एम्प्टी सेट लें ए लें 1 लें और एक्स लें। ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट 2 और एक्स, इनमें से ए कोई भी लें। अब ये दोनों क्या हैं, ये भी टी नॉट स्पेस हैं, क्योंकि इनके लिए अगर हम ये लें तो इसके लिए मेरे पास एक ओपन सेट ये मिलता है ए, जिसमें ए तो है लेकिन बी नहीं है। ठीक है, और इसके लिए ए बी में एक ओपन सेट पड़ा है, ए बी पॉइंट के लिए मेरे पास बी पड़ा है जिसमें ए तो नहीं है लेकिन बी है, तो ये भी बच्चों टी नॉट स्पेस है। नेक्स्ट है बच्चों, इनडिस्क्रीट स्पेस इज नॉट ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, इनडिस्क्रीट स्पेस जो होती है वो टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक्स है आपका 1 2, ठीक है, तो इसके लिए जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनती है उसमें क्या करते हैं, उसमें एक एम्प्टी सेट लेते हैं और एक हम सेट एक्स लेते हैं। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि यह है इनडिस्क्रीट स्पेस। अब मुझे बताएं कि 1 2 के लिए जो बिलोंग कर रहे हैं एक्स के लिए, मेरे पास कोई ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसमें 1 तो हो लेकिन 2 ना हो? नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास या तो एम्प्टी सेट है या एक्स है। अगर मैं एक्स लूं तो 1 बिलोंग कर गया एक्स में एंड 2 भी बिलोंग कर गया एक्स में, तो इसका मतलब है कंडीशन तो मेरी ये थी कि एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, टी नॉट स्पेस नहीं होती। ठीक हो गया बच्चों, तो जो भी इनडिस्क्रीट हो या डिस्क्रीट हो, जो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा उसमें कम से कम 2 एलिमेंट तो लाजमी होने चाहिए। 2 नहीं होंगे तो हम सेटिस्फाई भी नहीं करा सकते। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल, सब स्पेसिस ऑफ टी नॉट स्पेसिस आर टी नॉट स्पेसिस, यानी टी नॉट स्पेसिस की जितनी भी सब स्पेसिस होती हैं वो भी टी नॉट स्पेसिस होती हैं। इसका हम थ्योरम भी करेंगे कि एवरी सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस। तो आप इसका रिजल्ट याद कर लें, ठीक है, कि टी नॉट स्पेस की जितनी भी सब स्पेसिस होती हैं वो सारी टी नॉट स्पेसिस ही होती हैं। ठीक हो गया, चलिए जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।